श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अब तिहाड़ जेल पहुंच गया है। जेल में वो बना है कैदी नंबर 11529। आफताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है। जेल नंबर 4 में वार्ड नंबर 15 के सेल नंबर 16 में रहेगा आफताब पूनावाला। इस जेल को मुलाहिजा जेल यानी फर्स्ट टाइमर कैदियों की जेल भी कहा जाता है, जहां किसी जुर्म में पहली बार गिरफ्तार किए जाने वाले विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है, ताकि ऐसे कैदी तिहाड़ में पहले से बंद अन्य खतरनाक कैदियों और गैंगस्टरों की संगत से दूर रह सकें। आफताब को दी गई ये कड़ी हिदायत। जेल सूत्रों ने बताया कि जेल में जिस सेल में आफताब को बंद किया गया है, वहां दो और भी कैदी हैं। ये दोनों कैदी चोरी झपटमारी जैसे मामलों में बंद हैं। हालांकि इस वार्ड में 60 से अधिक कैदी और हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जब इन 60 कैदियों के घूमने का वक्त होता है, तब आफताब को उसके सेल में ही बंद करके रखा जाता है। जब ये 60 कैदी बंद रहते हैं, तब आफताब और इसके साथ बंद किए गए दो अन्य कैदी अपनी सेल से बाहर निकल सकते हैं। आफताब से साफ कह दिया गया है कि वो किसी भी सूरत में अपने वार्ड से बाहर न निकले, नहीं तो उसके ऊपर इस मामले को लेकर गुस्साए दूसरे कैदी जानलेवा हमला कर सकते हैं। जेल सूत्रों का कहना है कि जेल के डॉक्टरों की टीम ने आफताब की पूरी मेडिकल जांच की है। जांच में वो फिट पाया गया है, जबकि साउथ दिल्ली की मेहरोली थाना पुलिस रिमांड के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट के वक्त उसे 3 दिन तक बुखार था, लेकिन शनिवार शाम जब से तिहाड़ जेल में उसे लाया गया, तब से रविवार रात तक उसे एक बार भी न तो बुखार चढ़ा और न ही स्वास्थ्य संबंधित कोई अन्य परेशानी हुई। डॉक्टरों की टीम उस पर निगरानी रखे हुए है। किससे मिलना चाहता है आफताब? जेल में रहते हुए आफताब ने मुलाकात के लिए जेल रजिस्टर में 4 नाम लिखवाए हैं, जिनसे उसने मिलने की इच्छा व्यक्त की है। इन 4 लोगों में उसके माता पिता, भाई और एक दोस्त का नाम शामिल है। इसके अलावा वो किसी और से मिलना नहीं चाहता। कोई भी कैदी मुलाकात करने वालों में 10 नाम तक लिखवा सकता है। जेल में कैसी गुजरी आफताब की पहली रात? शनिवार की रात वो अपने सेल में आराम से सोया और रविवार को दिन में भी उसने एकदम सामान्य जिंदगी जेल में गुजारी। ये देखकर जेल अधिकारियों को लगा ही नहीं कि वो पहली दफा जेल में आया है। सूत्रों ने बताया कि जेल स्टाफ से बात करते हुए उसने एक बार भी श्रद्धा की कथित रूप से की गई हत्या के लिए कोई पछतावा जाहिर नहीं किया। उसे जेल के तमाम कायदे कानून समझा दिए गए हैं। फिलहाल उसे खाना पीना उसके सेल में ही दिया जा रहा है। उसके सेल और बाहर की ओर इसके मूवमेंट वाले तमाम एरिया में 13 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि उसकी प्रत्येक गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से जेल के एक जवान को उसके वार्ड के अंदर भी तैनात किया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।